जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान जिले में लंबित पेंडिंग केस व प्री लिटिगेशन केस व अन्य मामलों को राजीनामे के लिए अदालत में रखा जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 11,000 से अधिक विवादित मामलों को रखा जाएगा, जिसमें वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, सभी दीवानी प्रकरण, श्रम उद्योग विवाद, पेंशन वसूली मामलों को राजीनामे के तरीके से निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। कई मामलों में मामूली बातों को लेकर विवाद होता है और राजीनामे के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इसके लिए न्यायालय में 2 दर्जन से अधिक बेंच लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने सभी से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय पहुंचे, जिससे कि उनसे मामलों को समयबद्ध रूप से राजीनामे के माध्यम से निस्तारित किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को आयोजित की जा रही है, जिसमें बैंक से संबंधित, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से संबंधित प्री लिटिगेशन जो रिकवरी के हैं और पेंडिंग मुकदमे जो हैं, जैसे NI Act के हैं, मैट्रिमोनियल मामले हैं, क्लेम केसेज हैं और कंपाउंडेबल वो मुकदमे जो कि राजीनामा योग्य हैं, जो कि पेंडिंग हैं और जिनमें किसी प्रकार की राजीनामा करने में कोई बाध्यता नहीं आ रही हो, उनको हम 11/9/2021 को रख रहे हैं। अब तक 11,000 से अधिक संख्या में प्रकरण रेफर किए जा चुके हैं। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।